सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है ना गाइज, ये थोड़ी अलग होने वाली है। मतलब हम इसके अंदर आपको बताने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे, और ये जो स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम ये जो वीडियो है पूरी बना रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा मार्केट कौन चल रहा है, यूरो यूएसडी, ठीक है। तो मैं ट्रेड लेने से पहले और आपको समझाने से पहले समझा देता हूँ कि अभी क्या हुआ है कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं बिनोमो बैन होने वाला है क्या। देखिए, बिनोमो बैन नहीं होगा, ओके। ये बिनोमो बैन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ बिनोमो पे क्या कर सकती है, जो पेमेंट मेथड है वो बंद कर सकती है ओनली। और बिनोमो बाहर की कंट्री का है, इसकी वजह से बिनोमो बैन नहीं होगा। और बस यहाँ पे जो क्या होगा कि पेमेंट मेथड है, जो पेमेंट मेथड है वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी भी देख सकता हूँ कि यहाँ पे ना आपको भी दिख रहा होगा QR कोड का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, तो अभी नहीं आ रहा QR कोड का ऑप्शन, कोई नहीं, पहले आ रहा था थोड़ी देर पहले जब मैं देख रहा था, डिपॉजिट किया था मैंने, ठीक है। तो जब मैंने QR कोड से स्कैन करके डिपॉजिट कर लिया, ओके। तो अगर आपको डिपॉजिट और विड्रॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जेटॉन वॉलेट है, ठीक है, जेटॉन, तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है। इसमें करना क्या है, आपके अगर आपके पास ऐप स्टोर या प्ले स्टोर है, जो भी है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद वहाँ से इसको KYC कर लीजिए इसकी पूरी, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर डिपॉजिट करना है, ठीक है। डिपॉजिट करने के बाद आपको जेटॉन वॉलेट अपना यहाँ से ओपन करना है बिनोमो का, और वहाँ से जेटॉन वॉलेट का स्कैनर आपको ऑन करके वहाँ से आपको पे करना है, ओके। जैसे आपका स्कैन हो जाएगा वैसे आपका पैसा आपके बिनोमो वॉलेट में आ जाएगा, ओके। तो ये तो एक प्रोसेस है जो आपको करना है, ठीक है। तो मैं आपको बस यही बता सकता हूँ कि आप जेटॉन वॉलेट का यूज़ करिए, क्योंकि जेटॉन वॉलेट से आप बहुत जल्दी पैसे को अपना डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो एक तरीके से आज हम स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाएंगे आपको, और उसके ऊपर ट्रेड लेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है तो हम उस पर ज़्यादा अमाउंट ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना अमाउंट कर लेता हूँ फुल, ओके। तो फुल करने के बाद हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। मतलब यहाँ से ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है, यह है जो एक एरिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यह अभी एक एरिया बन रहा है और एक यहाँ भी एक एरिया बन रहा है, ठीक है। मैं स्ट्रॉन्ग एरिया बना रहा हूँ, ओनली स्ट्रॉन्ग एरिया, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग है वही एरिया बना रहा हूँ, ओके। अब मार्केट इन फ्यूचर यहाँ आएगा तो मार्केट यहाँ से सीधा रिट्रेस लेके ऊपर जाएगा, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना फुल इन्वेस्टमेंट करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आने में मार्केट को टाइम लगेगा, ओके। तो जब तक मैं क्या करूँगा, जब तक मैं क्रिप्टो IDX पे ट्रेड ले सकता हूँ, ओके। तो मैं क्रिप्टो IDX को थोड़ा एनालाइज कर लेता हूँ। तो मेरे को यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पे क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये वाली कैंडल वैसे भी ऊपर जाके क्लोज होगी तो, लेकिन ये बहुत पहले ऊपर आ चुकी है, ठीक है। अगर ये वाली कैंडल यहाँ पर आ गई, मतलब यहाँ पे आती है, जैसे कि यहाँ आएगी, हाँ जैसे आ रही है, और थोड़ी और ऊपर आने के बाद मैं जैसे डाउन की तरफ मैंने प्लेस कर दी, ओके। तो मैंने यहाँ डाउन की तरफ इसलिए प्लेस करी है क्योंकि ये जो एरिया है ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस का यहाँ पे एरिया बहुत स्ट्रांग है, आपको भी दिख रहा होगा स्ट्रांग कैसा है, फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट आया यहाँ से डाउन, यहाँ पे मार्केट आया यहाँ से डाउन, यहाँ पे मार्केट आया यहाँ से डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन फ्यूचर क्या होगा, यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ से भी डाउन आएगा, ओके। तो ये क्या हुआ है कि मेरी ना ट्रेड एक मिनट की लग गई है, मतलब मैं 30 सेकंड की ट्रेड लेना चाहता था लेकिन वो मेरी ट्रेड लग गई एक मिनट की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या रहेगा, जब भी नीचे इसके स्ट्रॉन्ग एरिया है तो यहीं से नीचे रहेगा, ठीक है। ये वाली कैंडल भी रेड बनेगी, जो ये वाली कैंडल जो बनी है ये रेड बनेगी, और यहाँ से रिट्रेस तो मार्केट हो ही गया नीचे, ठीक है। तो इन फ्यूचर हमारी ट्रेड ये वाली विन हो जाएगी। तो मैं तो इस ट्रेड का थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, जब तक मैं क्रिप्टो IDX का ये चार्ट हटा के एक बार ये देख लेता हूँ यूरो USD हमारा क्या चल रहा है, ओके। हाँ, आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे भी एक और सिनेरियो आ चुका है, बट जैसे ही वो अमाउंट विन होगा मेरा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ पे एक ट्रेड और प्लेस कर दूंगा, ओके। तो अभी मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ अमाउंट का आने का, जैसे ही आएगा वैसे ही यहाँ प्लेस करूंगा, ओके। तो मैं देख सकता हूँ मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है, तो थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन यहाँ देखते हैं मार्केट में यहाँ क्या हुआ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास 15-16-17 मिनट सेकंड रह रहे हैं, ये होने के बाद हमारा ये ट्रेड विन हो जाएगी और फिर मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं देख सकता हूँ ये जो मार्केट है ये ब्रेकआउट कर दिया इसको, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया तो अब यहाँ पे एक रिट्रेस होगा, ओके। रिट्रेस कैसे होगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो रिट्रेस होगा तो मैं सबसे पहले अमाउंट को कर देता हूँ फुल, ओके। तो ये देखो रिट्रेस हो गया, मेरी अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा देखते हैं, अगर ऐसे थोड़ा नीचे डाउन में आएगा हम दोबारा से एक अप की तरफ लेंगे। यहाँ पे क्यों लेंगे, ये जो मार्केट है ये एक रिट्रेसमेंट देगा, ठीक है। देखो और नीचे आ रहा है तो ऊपर चला गया, कोई नहीं। अगर हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत थोड़ी ध्यान से देखनी होगी, ठीक है।
जैसे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा, अब यहाँ से हमने ट्रेड ले ली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि ये जो मार्केट है यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे क्या देगा, रिट्रेस देगा। रिट्रेसमेंट कैसे होगी, ग्रीन की रिट्रेस होगी, ठीक है। तो इसका वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये रिट्रेस तो हो गई होगा। और जब तक मैं क्रिप्टो आइडेस में एक बार चार्ट और देख लेता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे भी हमें अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। कैसे, ये स्ट्रॉन्ग एरिया, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है। आपको स्ट्रॉन्ग एरिया कैसे ड्रॉ करने, मैं आपको अच्छे से और ब्रीफली समझाता हूँ। मान लीजिए मार्केट ऊपर आया, ठीक है, फिर वहाँ से नीचे आ गया, एक हो गया, वहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन फ्यूचर मार्केट यहाँ आया, हमने यहाँ ट्रेड प्लेस करी और यहाँ विन हो गए, ठीक है। वो बात अलग है कि मेरी एक मिनट की ट्रेड लगी, मैंने लगाना चाह रहा था 30 सेकंड की, बट मेरी ट्रेड लगी 1 मिनट की, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी हमारी ट्रेड विन हो गई, क्योंकि मार्केट यहाँ से ओवरऑल डाउन ही जाएगा। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ यूएसडी में, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिट्रेस हो चुकी है मार्केट। तो अब एक और ट्रेड लेंगे हम फुल अमाउंट की। ओके, तो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग एरियाज पे लेनी ट्रेड। ओके, स्ट्रॉन्ग एरिया जहाँ पे होंगे वहीं पे हम ट्रेड लेंगे। ओके, तो इस टाइम मेरे को एक स्ट्रॉन्ग एरिया यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मार्केट है यहाँ पे वही वाला सिनेरियो हो रहा है जो मैंने ऊपर आपको यहाँ पे दिखाया था। ओके, तो यहीं पे वो वाला सिनेरियो दोबारा से, यहाँ पे क्या होगा, मार्केट यहाँ से अप जाएगा। ओके, लेकिन मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेता हूँ कि मार्केट को यहाँ पे आने का। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ ना, मतलब मार्केट ना थोड़ा ख़राब चल रहा था, इसके चलते मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ओके, तो आप भी देख सकते हैं मार्केट कैसा बन रहा है, मतलब कि मार्केट में जो कैंडल है वो किस तरीके से फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो रात के टाइम में ये चीज़, मतलब मैं रात के टाइम में वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट थोड़ा सही नहीं चल रहा, लेकिन मैं 2 ट्रेड यहाँ पे लगातार विन कर गया हूँ, तो मेरा अमाउंट अच्छा खासा हो चुका है। मैंने 30,000 से स्टार्ट किया था, अब मेरा 47,000 हो चुका है, तो मतलब मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया है। और अगर आपको भी मेरी तरह लर्निंग करनी है, मतलब मेरी तरह जैसे मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ड्रॉ करें, ठीक है, आप भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आपको प्रैक्टिस से थोड़ा टाइम आपको कम करना है, मतलब आप चाहते हैं कि आप जल्दी सीख जाएं, तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। हमने बहुत ब्रीफली तरीके से किस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने है, किस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन लगानी है, किस तरीके से आपको नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट करनी है, ये सब हमने अपने कोर्स के अंदर बता रखा है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा कोर्स चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको कोर्स के बारे में कुछ भी इंक्वायरी करनी है, फिर कुछ भी पूछना है, तो आप आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अच्छे समझा दूंगा किस तरीके का कोर्स है, और आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सा कोर्स लगेगा। ओके, तो हमारे बेसिकली 2 कोर्सेज, स्टैंडर्ड एंड प्रो, और स्टैंडर्ड कोर्स बेसिक कोर्स है, और प्रो कोर्स, प्रो नाम आप नाम में ही प्रो है, तो मतलब वो प्रो कोर्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मार्केट अभी ख़राब चल रहा है, और मैंने 30,000 रुपीज़ से मैंने 47,000 बना लिए, तो मतलब अच्छा खासा अमाउंट मैंने अर्न कर लिया। ओके, तो मतलब 2 ट्रेड मिल लिए इनफ है, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी चाहिए आपको, मतलब कि अमाउंट के हिसाब से आपको ट्रेड लेनी चाहिए। अगर आपका अमाउंट अच्छा खासा आपने ग्रो कर लिया, तो उस हिसाब से आपको स्टॉप करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने दिन भर में आप ट्रेड लेने मत बैठिए, ठीक है, आप क्वालिटी ट्रेड लीजिए, क्वांटिटी ट्रेड मत लीजिए। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, आपको जैसी भी वीडियो लगी कॉमेंट जरूर बताना, और अगर आपको ऐसे ही टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट में बता देना। ओके, थैंक यू।